नेपाल के काठमांडू में आज एक बड़ा विमान हादसा हुआ जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई। देखिए ये रिपोर्ट। तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। विमान हादसे की तस्वीरें एक बार फिर देखिए। काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यह विमान आसमान में लहराता हुआ दिखता है। उसमें आग लगी होती है। कर्मचारी ये देखकर घबरा जाते हैं और फिर अचानक ये विमान रनवे के पास गिर जाता है। नीचे गिरते ही काले धुएं का गुब्बार उठता है, पूरा विमान आग की चपेट में आ जाता है। विमान का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। बताया जाता है कि शौर्य एयरलाइंस के इस विमान ने रनवे 2 से पोखरा के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से टेक ऑफ करते ही कुछ देर बाद विमान में आग लग गई। जमीन पर गिरते ही आग और धधक उठी, चारों तरफ इमरजेंसी सायरन की आवाज आने लगी, पूरे एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। बताया जाता है कि शौर्य विमान में 15 यात्री समेत 4 क्रू मेंबर सवार थे। रेस्क्यू टीम ने प्लेन की आग बुझा दी, लेकिन इस हादसे में 18 लोगों की जिंदगी भी खत्म हो गई। प्लेन के एक पायलट को सुरक्षित बचा लिया गया है, जिसका इलाज चल रहा है। हादसे की वजह से त्रिभुवन एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही प्रभावित हुई है। इस हादसे के बाद एहतियात बरतते हुए त्रिभुवन एयरपोर्ट पर विमानों की लैंडिंग को लखनऊ और कोलकाता की तरफ डाइवर्ट किया गया है।